चुका हूँ और मैंने सारी चीजों को इस चेस्ट में रखा है। अब मैं चलो खोल के आपको दिखाता हूँ मुझे कितने सारे लूट मिली है। तो वेलकम हो चुका है आप सभी लोगों का हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड में। और पिछले एपिसोड में मैंने फुल आयरन का आर्मर बनाया था एंड इस एपिसोड के अंदर मुझे फुल डायमंड आर्मर और टूल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले मुझे मटेरियल जमा करना है माइनिंग के लिए। पहले मुझे पिकेक्स वगैरह बनाने और थोड़े बहुत फूड वगैरह भी कलेक्ट करना है। तो उससे पहले मुझे यहाँ पर एक ट्रेडर दिख रहा है, पहले हम इसकी लूट चेकआउट करते हैं, देखते हैं ये क्या लेके आया है। ये तो मैंग्रोव के सैपलिंग लेके जो हमारे आगे चल के काम आ सकते हैं, लेकिन ये तो 5 एमरल्स में दे रहा है यार। लेकिन मेरे पास तो अभी शायद से एमरल्स भी नहीं होंगे, मैं गरीब हूँ। छोड़ो जान दो इसको, वहाँ पे लीड वगैरह गिरी है तो मैं जाके उठा लेता हूँ। पता नहीं कहाँ से आई है, शायद से लामा के होंगे, किसी ने मार दिया होगा लामा को। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं मारा। तुम्हें क्या लग रहा है मैंने मारा? छोड़ो अब जान दो उसको, मजाक वजाक हो गया, अब हम चलते हैं काम की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं एक बार विलेज के अंदर जाके सारे विलेजेस को देख लेता हूँ सही से है ना। और मुझे वो विलेज के पास वाले इग्लू को भी देखना है, उसके अंदर क्या क्या लूटे। मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि मैं उसके अंदर जाके लूट वगैरह देखूंगा क्या है, तो उसको भी मैं लूट लूंगा वहाँ पे। मैं ऊपर तो पहुँचने वाला हूँ, बस पहुँच ही गया। और चलो अब देखते हैं सारे विलेजर्स कहाँ पर है। ये घर में कोई है भी या नहीं? शायद से तो मुझे तो नहीं लग रहा है, इसमें तो नहीं है। पर चलो ऊपर जाके देखते, ऊपर भी थोड़े बहुत घर बना ले। थोड़े बहुत नहीं भाई, बहुत सारे घर हैं यहाँ पे भी। एक बार सारे घर में देखते हैं कहाँ पर होंगे विलेजर्स। लेकिन यार यहाँ पर विलेजर्स क्यों नहीं दिख रहे यार? इतने सारे घर तो है पर विलेजर एक भी नहीं दिख रहा है यार, कहाँ पे चले गए सारे? पिछले वाले एपिसोड में तो यहाँ पर बहुत सारे विलेजर थे। अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पे 2 विलेजर्स को तो बंद कर दिया था। लेकिन बाकी कहाँ पर? ये यहाँ पर एक तो विलेजर दिखा मुझे वहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये एक विलेजर है, पर इसके पास भी कोई जॉब वगैरह नहीं। पता नहीं क्या कर रहा है भाई ये। और देखते कहाँ पर होंगे सारे बाकी सब। पता नहीं कहाँ पर गए यार, ये एक ही दिखा वो मुझे अभी तक। तो पता नहीं सारे घर खाली के खाली, वैसे ही आयरन गोलम भी यहाँ पे घूम रहा है, पता नहीं शायद वो उधर एक था। छोड़ो जान तो इन सबको, मेरे 2 तो दिख गए, अब बाकी सब यहीं पे कहीं पे घूम रहे होंगे। और अब मैं चलता हूँ जल्दी से इग्लू के पास, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या लूट है। पर वो इग्लू किस तरफ में था? शायद से तो मुझे लग रहा है इस तरफ। नहीं यार इस तरफ में नहीं था यहाँ पर। अरे ये वाला घर तो मैंने देखा ही नहीं यार, एक बार इसके अंदर जाके देखते क्या है। इधर इस तरफ में मैं आया नहीं था पिछले एपिसोड में, इसीलिए ये घर मुझसे लगता है छूट गया था। ये शायद से ब्लैक स्मिथ का घर है। एक बार देखते हैं इसके अंदर, तो अच्छी लूट होनी चाहिए। इधर चेस्ट तो है, इसके अंदर एक डायमंड हॉर्स आर्मर है और ऑब्सीडियंस भी है। भाई भाई अच्छी लूट है यार, जल्दी से उठा लेते हैं सारा सामान। और ये हमारे हॉर्स के लिए काम आएगा बाद में जब हम हॉर्स वगैरह टेम करेंगे, तो उसके लिए चेस्ट को भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में चेस्ट भी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए वहाँ पे लगा देंगे। चेस्ट को ऊपर रख देते हैं और शवल भी रख देते हैं ऊपर ही। एक बार देखता हूँ इस तरफ में और कोई घर तो नहीं ना, क्योंकि मैं इस तरफ में नहीं आया था। नहीं कोई घर तो नहीं इस तरफ में। तो चलो फिर ये घर से लूट तो मिल गई, वो उधर इग्लू भी मुझे दिख गया है, अब चलते उसके पास जल्दी जल्दी। ये इग्लू के पास तो मैं आ चुका हूँ, पहले ये ब्लॉक को तोड़ के और देखते हैं अंदर जाके कहाँ से रास्ता है। तो सबसे पहले तो मैं ये सारे कारपेट्स को हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे कहीं पे लेडर्स होते हैं, वहाँ पे देखता हूँ भाई लेडर्स कहाँ पे। अरे भाई यहाँ पे लेडर होता है यार, जहाँ से नीचे जाते हैं वहाँ पे शायद कोई विलेजर वगैरह होता है। ये इग्लू ही है ना, एक बार शवल निकालता हूँ मैं और देखता हूँ खोद के, वही रास्ता ही नहीं दिख रहा यार, क्या हो गया यहाँ से? इग्लू था यार ये, मुझे लग रहा है इग्लू। मुझे तो लग रहा है ये कोई विलेजर का घर है अब, क्योंकि यहाँ पे लेडर होता है इग्लू में। हाँ शायद ये विलेजर का कोई घर ही होगा, छोड़ो जान दो इसको। चलो अब चलते हैं यहाँ से जल्दी से और सारा सामान जमा करते, फिर माइन में जाके डायमंड भी माइन करना है हमें अभी, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी हम सामान जमा कर लेते फटाक से। तो अब मैं मेरे घर के पास तो आ चुका हूँ, मतलब मेरा घर नहीं है कोई विलेज का घर है। तो मैं सबसे पहले तो अभी मैं इसके अंदर सारा सामान रख देता हूँ जो मुझे अभी अभी मिला है, ऑब्सीडियन वगैरह सब कुछ रख देते हैं, फिर जाके हम सामान जमा कर लेंगे, फूड वगैरह पिकेक्स वगैरह बना के फिर हम माइन के अंदर जाएंगे डायमंड माइनिंग के लिए। तो सारा सामान तो मैंने चेस्ट में रख दिया, अब मुझे एक पिकेक्स बनाना है। तो सबसे पहले मैं थोड़े से प्लैंक्स बना लेता हूँ और उससे स्टिक्स बना के फिर पिकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। 1, 2, 3 में तो हो जाएगा, अब मेरे पास पहले से एक है, तो 4 पिकेक्स में तो डायमंड का आर्मर और टूल्स तो हो जाएंगे शायद से। बाकी सारे आयरन जो बचे वाले वो उनको मैं चेस्ट में रख देता हूँ। ये शवल रख लेते, शवल काम आएगा माइनिंग के बीच में, अगर ग्रेवल आ गया तो काम आ जाएगा शवल। तो पिकेक्स तो बना लिया मैंने माइनिंग करने के लिए, अब मुझे थोड़ा सा फूड वगैरह होना। तो देखते हैं यहाँ पे एनिमल्स तो दिख रहे हैं, तो जल्दी से मैं सारे एनिमल्स को मार के और उनको कुक करके मैं आपको मिलता हूँ फटाक से। तो
गाइस मैंने यहाँ से सारा फूड वगैरह तो कुक कर लिया, अब जल्दी से इनमें से सारा फूड निकाल लेता हूँ और कोल भी निकाल लेते हैं, हमें टॉर्चेस वगैरह काम आएंगे। माइंड में मैंने थोड़े बहुत टॉर्चेस तो बनाए वाले पर इतने में तो नहीं होंगे शायद से मेरे हिसाब से, तो मैं थोड़े से और टॉर्चेस बना लेता हूँ जल्दी से। तो टॉर्चेस तो हो गए, अब मैं यहाँ पे थोड़े बहुत चीज़ें खाली कर रहा था, फूड तो इतनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ी बहुत फूड हम रख देते हैं यहाँ पे। ये मैंने फूड के लिए चेस्ट बनाया अलग सा, तो इसलिए उसमें मैंने रख दिया, इतने फूड में तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम जा सकते हैं माइन के लिए, लेकिन देखो एक बार एक चीज़ मैंने गलती से छोड़ दी, मेरे पास एक शील्ड बनानी थी मुझे, तो यहाँ से एक आयरन निकाल लेते हैं और यहाँ पे एक शील्ड को बना लेते हैं जल्दी से। अब हम इसको ऑफ हैंड में लगा लेते हैं शील्ड को, तो चलो अब जा सकते हैं हम माइनिंग के लिए। सारी चीज़ें तो मैंने ले ली है, पिछले बार तो हम इस तरफ में गए थे माइनिंग के लिए, तो उधर ज़्यादा माइन वगैरह तो नहीं मिली मुझे, इसलिए मैं इस बार सोच रहा हूँ कि मैं इस तरफ में जाऊँ। तो चलते हैं फिर इस तरफ में और देखते हैं, एक बड़ी सी माइन मिल जाए तो वहाँ से हमें बहुत सारे डायमंड मिल सकते हैं। तो फिर मैं चलता हूँ इस तरफ में, देखते हैं कब तक हमें एक माइन मिलती है जल्दी से। तो गाइस अभी तक तो मुझे कोई विलेज वगैरह तो नहीं मिला, पर यहाँ पे कुछ तो, अरे भाई यहाँ पे एक विलेज, भाई ओ भाई इतने पास में यार। तो मैं सोच रहा हूँ कि रुको रुको, तो गाइस इस विलेज को तो मैं अभी नहीं लूटने वाला, मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर अगर 30 लाइक्स आ गए तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में इस विलेज को पूरा लूटूंगा और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या लूट है। मैं अपने वीडियो में फर्स्ट टाइम कोई लाइक गोल दे रहा हूँ, तो ज़रूर से इसको कंप्लीट करना, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई ना, पर ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। तो चलो लाइक गोल तो मैंने दे दिया इस वीडियो में, अब मैं जल्दी से कोई एक माइन वगैरह ढूंढता हूँ, अभी तक तो मुझे नहीं मिला कोई, इस तरफ में मैं जाते रहता हूँ और देखते हैं कब तक हमें एक बड़ी सी माइन मिलती है। तो गाइस मुझे यहाँ पर एक माइन तो दिख रहा है, पर शायद से ये माइन बड़ी है कि नहीं पता नहीं, जाके देखते एक बार बड़ी माइन है कि नहीं। लग तो रहा है कि ये बड़ी माइन है, यहाँ पे थोड़े बहुत आयरन्स भी दिख रहे हैं, तो आयरन वगैरह भी उठाते चलेंगे हम। पानी से तो आ रहा है, यहाँ पे कोल भी है पर उसको हम ले नहीं पाएंगे, छोड़ो जान दो इसको। अब एक बार हम जाके देखते हैं ये माइन के अंदर कि ये माइन बड़ी है कि नहीं, पहले आयरन ऊपर रख देते हम और एक बार जाके देखते हैं। यहाँ पर मशरूम दिख रहे, ब्राउन मशरूम, इसको हम उठा लेते हैं, बाद में हमें कभी पोशन वगैरह बनाने को काम आएगा। तीन ब्राउन मशरूम तो मिल गए हमें, इसको भी ऊपर रख देते हैं। अब नीचे जाते हैं, ये माइन बड़ी दिख रही है, यहाँ पे थोड़े आयरन दिखे मुझे, इसको तोड़ लेते हैं यहाँ से, तीन आयरन और मिल गए हमें। अब और नीचे देखते हैं, माइन तो बड़ी है भाई, उधर देखो उस तरफ में बहुत बड़ी माइन है, लेकिन यहाँ पे मॉब्स भी बहुत ज़्यादा स्पॉन होंगे, इसीलिए यहाँ पे टॉर्चेस वगैरह लगाते जाएंगे हम। यहाँ पे भी टॉर्चेस, वहाँ पे आयरन नहीं, आयरन नहीं कुछ नहीं, वहाँ पे मुझे लगा आयरन है, वहाँ पे यहाँ पर कॉपर यार, आयरन भी नहीं मिला। और नीचे जाके देखते हैं वहाँ पे अगर डायमंड वगैरह, इधर आयरन है तो इसको तोड़ लेते हैं और फिर जाके और अंदर जाके देखते हैं कि अगर हमें डायमंड वगैरह ऊपर ही मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें स्टेट माइनिंग ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर आयरन तो बहुत सारे यार, यहाँ पे देखो इधर भी है भाई, और नहीं यार नीचे और आयरन से, तो इनको भी तोड़ लेते हैं। तो इन सबको जल्दी से कलेक्ट करके देखते हैं आगे हमें डायमंड वगैरह, उधर क्रीपर दिख रहा है मुझे, हमारे पास 14 आयरन तो हो गए है। यहाँ पे टॉर्च लगाते पहले, यहाँ पे कोई आने जाए, वहाँ पे आयरन यार वो कैसे मैंने मिस कर दिया, और ऊपर जाके उसको भी तोड़ लेते हैं जल्दी से। मैं वो आयरन तो माइन करके आ चुका हूँ, अब देखते हैं, अरे यार क्रीपर पहले उड़ जाए यार, चलो टूट तो गया। ये क्राफ्टिंग टेबल क्यों लग रही है भाई, किससे तोड़ रहा हूँ यार, एक्स से तोड़ते जल्दी से। यहाँ पे टॉर्च लगा देते हैं और अंदर जाके एक बार देखते हैं हम, अगर केव बड़ी रहे तो अच्छी। चलो फिर देखते हैं, टॉर्चेस लगाते जाएंगे। और यार ये पानी आ रही, पानी कहाँ से आ रहा है भाई, दिमाग ख़राब कर रहा है यार ये पानी। यहाँ पे मुझे कोल और आयरन तो दिख रहा है वहाँ पे मुझे, पर डायमंड वगैरह तो नहीं मिला अभी तक। अगर ये आयरन को जल्दी से तोड़ते हैं यहाँ से और फिर कोल भी उठा लेंगे बाद में हमें टॉर्चेस, नहीं तो स्मेल्टिंग वगैरह करने में काम आएगा। यहाँ पे कॉपर भी है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कॉपर भी उठा लेते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, स्पाइक ग्लास बनाने को काम आएंगे हमारे बाद में। तो गाइस मैंने वहाँ से कॉपर और कोल भी यहाँ से उठा लिया, तो इन सबको मैंने ऊपर रख देता हूँ। अब और आगे चल के देखते हैं और क्या क्या इधर लावा है भाई, पहले इधर से बच के जाएंगे। आगे से क्रीपर भी आ रहे हैं, यहाँ पे आयरन भी है और आगे मुझे राइट में लैपेज भी देखा, पहले ये क्रीपर को मैं फोड़ता हूँ। फूट जा भाई फूट जा, उधर से एक ज़ॉम्बी आ रहा है फुल गोल्ड आर्मर में, आ जा भाई आ जा, तू आ जा पहले, ये ले क्रिट ले और फिर ये शॉर्ट से भी ले, अब इधर आ इधर आ, ये ले आ जा वापस आ वापस आ वापस आ ये, अरे भाई मिस हो गया एक बार और, अरे उसने ही मार दिया बाबा, अरे भाई रुक जा स्केलेटन, रुक जा तुझे ही मारने आ रहा हूँ, रुक जा पहले ये ज़ॉम्बी को पहले निपटा लूँ मैं, फिर तुझे ही मारने आ रहा हूँ मैं, पहले इसी ये ज़ॉम्बी पेट और चला दूँ एक, अब तू आया भाई ज़ॉम्बी इधर आ, एक क्रिट लगा एक ये, अब ये ज़ॉम्बी तो गया, अब तेरी बारी है, रुक जा ये तो मेरे इससे ही मर जाएंगे मुझे लग रहा है, मेरे शील्ड से ही मर जाएंगे, एक और बार
और ये एक और शील्ड ये ले। तो चलो ये सब तो मार दिए मैंने यहाँ पे, अब जल्दी से यहाँ से आयरन और यहाँ पे लैपिस भी है उनको सारे उठाता हूँ और फिर से आगे की तरफ में चलेंगे हम। देखते हैं डायमंड पता नहीं कब तक मिलेंगे भाई, यहाँ पे मुझे बस आयरन पे आयरन मिल रहा है। देखो यहाँ पे कितना आयरन है भाई साहब। 2000 years later तो गाइस मैं तब से माइन में भटक रहा हूँ पर मुझे अभी तक एक डायमंड भी नहीं मिला, लेकिन मुझे यहाँ पर एक एमेथिस का वो मिल रहा है और यहाँ पे मुझे वो शार्ट मिल सकते हैं बड़े वाले, लेकिन नहीं यार यहाँ पर इसके बाजू में भी एक और है तो वहाँ पे जाके देखते हैं। मुझे वो ग्लो स्कोड भी वहाँ पे बहुत सारे मिले थे पीछे तो मैंने उनको मार के कलेक्ट भी कर लिया है। यहाँ से पहले नीचे चलते हैं। ये रहा वो जिसकी बात कर रहा था, इसके बाजू में ये एक और एमेथिस जट, इसके अंदर देखते हैं वो बड़े वाले शार्ट मिल जाए तो। यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर भाई क्रीपर मुँह पे फूटा भाई साहब, वो भाई क्या डेंजर छुपा था भाई वो क्रीपर यहाँ पे। पहले इसको तोड़ लेते हैं, देखते हैं मिला कि नहीं। मिला तो है पर फिर इन्वेंटरी पूरी भरी वाली है, इसको फेंकते हैं। ये तीन मिल गए। यहाँ से मैं सोच रहा हूँ ये आवाज़ करने वाले ब्लॉक भी उठा लेते हैं, अभी तो मेरे पास 15 है। एक स्टैक तक जमा करते हैं और फिर यहाँ से चलेंगे फिर से डायमंड ढूंढने के लिए। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक स्टैक वो जमा तो कर लिया, ले क्या नाम है इसका, कुछ भी जो नाम है वो आवाज़ करने वाले। तो अब चलते बाहर और थोड़ा पहले खाना खा लेते हैं। तो चलो अब चलते हैं फिर से डायमंड ढूंढने की खोज में, देखते हैं कब तक हमें हमारा पहला डायमंड मिल जाएगा। यहाँ पर क्रीपर लेफ्ट में नाच रहा है भाई, पता नहीं क्या कर रहा है वो। पर वहाँ पे मुझे ग्लो इंसेक्ट दिख रहे हैं और थोड़े बहुत स्लाइम वगैरह भी है, तो सबसे पहले उनको कलेक्ट कर लेते भाई। लावा में जाने वाला था मैं अभी। दो स्लाइम बॉल मिल गए और यहाँ पे थोड़े और इंसेक्ट थे, मतलब वो ग्लो इंसेक्ट, उनको भी मार लेते फटाक से। वहाँ से आगे ये भी आ रहे, क्या नाम है उसका, स्पाइडर, तो उसको भी मारना पड़ेगा। उसको इधर आ भाई तू, मेरी तलवार उठ जा, बस इधर आ। ये ले एक बार और, ये गई वहाँ पे एक बज गई, कैसे बचा यार। रुको रुको इसको मारता हूँ, बस लावा में ना चला जाए, ब्लॉक लगा देता हूँ। आगे चलो ये भी मर गया, चलो आगे देखते हैं। और ये पानी भाई लावा में जाने वाला था मैं, बच गया। तो सबसे पहले तो मैं सारा कूड़ा वगैरह लावा में ही डाल देता हूँ। और अभी मेरे पास इतने सारी चीज़ें तुम देख सकते हो जैसे, लेकिन मेन चीज़ तो मुझे एक डायमंड भी अभी तक नहीं मिली यार, क्या कर रहे अब। देखते हैं कब तक डायमंड मिलता है हमें। वहाँ पर कुछ तो भाई, वहाँ पर डायमंड है शायद। हाँ हाँ रुको रुको, ऊपर जाना पड़ेगा, पहले ऊपर चलते जल्दी से। यहाँ से और रास्ता ही नहीं है, रुको यार ये पानी दिमाग ख़राब कर रहा है भाई। थोड़ा साइड से चल लेते यार, जान दो इसको पानी को भाई, क्या कर सकते हैं। जैसे पहले ऊपर जाते यार, ऊपर डायमंड है उधर, मुझे दिखा अभी काफ़ी गया। रुको रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें भी कहाँ पर है वो उधर, जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा शायद से, बहुत अंधेरा है पर देख सकते हो तुम। यहाँ पर एक ज़ॉम्बी भी आ रहा है यार, ये भाई तू जाया, मुझे तुझसे फाइट नहीं कर रही है भाई। कितने सारे आ रहे भाई, ये क्या हो रहा है। जल्दी जल्दी भाग यार, भाग भाग भाग, मरना नहीं मुझे, बस मुझे डायमंड अभी दिखा एक पर, मर जाऊँ मैंने तो मुझे लग रहा है। चलो जल्दी जल्दी पानी से निकलो, चलो पानी से तो निकल गया। अब यहाँ से ब्लॉक ला के ऊपर चलते हैं जल्दी से, देखते हैं कितना ऊपर है अभी। बस पहुँच ही गया शायद, एक टॉर्च लगा देते, अब तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा शायद भाई। बस एक क्रीपर ना आ जाए भाई, मुझे लगा क्या है पीछे पर एक क्रीपर यहाँ पे। अब यहाँ से हमें आगे जाना है जल्दी से, ब्लॉक ला के आगे जाते हैं, ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा और। चलो भाई क्रीपर की आवाज़ भाई भाई भाई, क्या एच पी गई भाई मेरी, कहाँ पे था वो भाई। अब बस कोई आना जाए भाई, मेरी एच पी पहले से रहा हूँ, पानी ला के ऊपर जाते हैं। चलो भाई ऊपर तो आ गया मैं, अब और ऊपर जाना है अभी थोड़ा सा, और कोई क्रीपर तो नहीं ना यहाँ पे। ब्लॉक ला के ऊपर जाते हैं भाई, एच पी बहुत डाउन मेरी। लेकिन वो सब छोड़ो, यहाँ पर हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड के फर्स्ट डायमंड मुझे मिल चुके हैं। तो पहले देख लेते हैं आसपास में कोई क्रीपर वगैरह ना हो, टॉर्चेस वगैरह लगा लेते हैं। टॉर्चेस वगैरह तो लगा लिया पहले, और इन्वेंटरी भी खाली कर लेते हैं, ये इसको ऊपर रख देते हैं, खाली तो है एक स्पेस। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले ब्लॉक लगा लेते हैं, डायमंड गिरना नहीं चाहिए भाई नीचे, अच्छे से कवर कर लिया। अब देखते हैं, अरे भाई वाह मेरी पिकेक्स भी टूट गई भाई, किसने मारा, रुको रुको रुको। अरे भाई ज़ॉम्बी तो जितनी मरने की क्या जल्दी हो रही है, मुझे डायमंड तो माइन कर लेने दे, खाना खा लेते हैं यार, अच्छी बोल डाउन है मेरी। चलो खाना खा लिया, ये रोटम फ्लैश फेंको और एक पिकैक्स निकालो। अब डायमंड माइन कर लेते भाई, एक डायमंड मिल चुका है हमारे अपने सर्वाइवल सीरीज का फर्स्ट डायमंड। वाह भाई क्या अच्छा लग रहा है। और नहीं था क्या, एक ही था क्या, नहीं नहीं एक और रुको रुको रुको, पहले सारे ब्लॉक्स हटाते हैं फिर इसको माइन कर लेते हैं भाई। एक और है नीचे, वाह भाई क्या किस्मत है मेरी, तीन डायमंड और नहीं क्या, देखते एक बार माइन करो। नहीं नहीं अब नहीं लग रहा, मुझे तीन ही थे शायद यहाँ पे। जान दो गाइस तीन तो भी डायमंड मिले हमें भाई साहब, भाई क्यों फेंक रहा हूँ भाई मैं इसको, उठाओ। चलो गाइस तीन डायमंड तो मिल चुके हैं, अब मैं एक काम करता हूँ आपको बस डायमंड माइन सिखाता हूँ, क्योंकि आपको भी बोर होगा नहीं तो। चलो फिर मैं सारे डायमंड जल्दी जल्दी से माइन करता हूँ और सीधा मैं आपको घर पे मिलता हूँ।
तो गाइस फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ और मैंने सारी चीजों को इस चेस्ट में रखा है। अब मैं चलो खोल के आपको दिखाता हूँ मुझे कितने सारी लूट मिली है। और ये वो सारी चीजें जो मुझे आज के माइनिंग में मिली है, मुझे पूरे टोटल 43 डायमंड्स मिल गए भाई। तो अब मैं सारे डायमंड पहले चेस्ट में से निकाल लेता हूँ और अब मैं डायमंड के आर्मर और टूल्स बना लेता हूँ जल्दी से। पहले मैं बनाता हूँ डायमंड के हेलमेट और फिर एक बना लेते हूँ चेस्ट प्लेट और फिर इसे ऊपर रखते हैं और फिर एक लेगिंग्स और फिर एक बूट्स भी बना लेते हैं और सारे टूल्स भी बना लेते हैं। पहले स्टिक्स बना लेते हैं जल्दी से। चलो मैंने अब स्टिक्स तो बना लिए, अब मैं जल्दी से एक पिकेक्स बना लेता हूँ और एक एक्स बना लेते हैं और एक स्वॉर्ड बनाऊँ कि नहीं। देखो पहले मैं स्टिक्स बनाता हूँ और फिर जाके एक स्वॉर्ड भी बना ही लेते हैं। चलो इसी के साथ हमारा पूरा डायमंड आर्मर और टूल्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने एक आर्मर स्टैंड भी बना लिया। तो सबसे पहले लेकिन मैं अपने पूरे डायमंड को संभाल के इस चेस्ट के अंदर वापस से रख देता हूँ। मेरे पास 11 डायमंड और बचा ले, इनको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। मैं एक आर्मर स्टैंड लेता हूँ और फिर इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देते हैं और हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड का हमारा फर्स्ट आर्मर आयरन आर्मर हम इसके अंदर संभाल के इसके ऊपर लगा देते हैं, आर्मर स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। तो सबसे पहले इनको नीचे उतार देते हैं आर्मर को और एक एक करके हम जल्दी से आर्मर स्टैंड में इस सबको रख देते हैं। चेस्ट प्लेट, ये लेगिंग्स और ये बूट भी। मैं सोच रहा हूँ स्वॉर्ड दूँ कि ना, स्वॉर्ड भी दे देते हैं। चलो स्वॉर्ड भी हमने रख दिया। तो चलो गाइस इसी के साथ मैंने अपना पूरा डायमंड आर्मर कंप्लीट कर लिया और टूल्स भी सारे कंप्लीट कर लिए। तो अब मैं जल्दी से ये सारा आर्मर पहन लेता हूँ, पहले हेलमेट, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स और बूट। तो इसी के साथ हमारा पूरा कैरेक्टर डायमंड के अंदर कवर हो चुका है जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से करना क्योंकि इस वीडियो के ऊपर मैंने 30 AM का लाइक रखा है और ये मैंने फर्स्ट टाइम कोई वीडियो में लाइक एम डाला है, तो इसको कंप्लीट जरूर से करना। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आपको मुझसे बातें करनी हो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो और इंस्टाग्राम की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो मुझे वहाँ पर फॉलो भी कर लो क्योंकि मैं वहाँ पर ऑनलाइन आते रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय। We'll be right back.